जाओ यशु आप भी जाओ हाँ, हाँ।, हाँ। यशु यशु आप भी चले जाओ क्या डांस कर करो क्लास है ये ए, जाओ मत बोल रहे जाओ मत हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूं दी और ये ब्लॉग है ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर क्रिसमस का दिन था मैं जा रही हूं बेंगलोर मैं यश और आरव हम तीनों ही जाने वाले थे तो यहां पर बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी और ये सेंटा ऑटो पे चलता इसके सामने जाओ था तो ये चलने लगता था कुछ गाना भी बजने लगता था तो यश थोड़ा सा ना इससे डर रहा था थोड़ा समझ नहीं पा रहा था और वो थोड़ा नींद में भी था तो इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था तो उसको अच्छा तो लग रहा था जाने का मन भी कर रहा था बट वो डर भी रहा था बट आ रहा काफ़ी इन्जॉय कर रहा था तो उन लोग के कुछ फोटोज़ वीडियोज़ मैंने लिए एक्चुअली मैं काफ़ी पहले आ गई थी एयरपोर्ट पर तीन घंटे पहले मैं आ गई थी क्योंकि बच्चों के साथ में थोड़ा सा रहता है ना चेक इन करना लगेज सबमिट करना ये सब काम में थोड़ा सा टेंशन रहती है कि हो जाए हड़बड़ी में मैं कोई भी काम कर नहीं सकती हूँ बच्चों के साथ में तो इसी टाइम से आ जाओ फिर एयरपोर्ट में तो टाइम स्पेंड करने में कुछ दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है तो टाइम पास के लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो लाउंज था वहाँ पर कुछ कुछ खाया पॉपकॉर्न गार्लिक ब्रेड और कुछ कुछ ऐसे खाया और एक दो टॉयज़ वगैरह भी मैंने लोगों को दिलाए तो ये वो टॉयज हैं जो आप देख रहे हो ये इसके अंदर कैंडीज हैं अंदर और ऊपर से ऐसे कुछ खेलने के लिए बनाया हुआ है तो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है मैंने सोचा टाइम पास में दिला देती हूँ तो ये लोग भी इंगेज रहेंगे तो ये दो दिलाए थे एक यश को और एक आरफ को और फ्लाइट में

एंटरटेनमेंट का रिसोर्सेज uh, थे वहाँ पर बच्चों के लिए तो एक हम लोगों ने आज एंजॉय किया था यह था गेम सेक्शन था जहाँ पर बहुत सारे तरीके के गेम्स थे वीडियो गेम्स भी थे और ऐसे भी चढ़ने कूदने वाले भी गेम्स थे तो इसका एक कार्ड बन जाता है और उसमें से आपका बैलेंस जो है वो कटता रहता है तो इसमें यश के लिए कुछ ऐसा था नहीं ज़्यादा ज़्यादातर ये बड़े बच्चों के लिए था जो थ्री ईयर्स एंड अबव रहते हैं उनके लिए था तो हम बच्चों ने लेकिन बहुत इन्जॉय किया और आरव ने तो चलो जो हमने पैसे दिए उसका सारे गेम्स खेल खेल के इन्जॉय किया बट यश ने फ्री में फ्री में सारी चीज़ें इंजॉय की सारा जो भी जितना था ना जो बिना टिकट के जितना चल पाता था वो उसी को कर करके इतना खुश हो रहा था गाड़ी चला रहा था स्टेयरिंग वगैरह हिला के उसको ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी चला रहा है उसको इतनी समझ तो है नहीं अभी लेकिन जितना था और ये हैमर वगैरह सब डाल डुल के मैंने सारे उसके वीडियोज़ बनाए कि उसने मतलब पैसे जो है ना वो पूरे वसूल किए आरव के भी तो उसके लिए अलग से खर्च नहीं किया लेकिन उसने बहुत इंजॉय किया और बहुत खुश था वहाँ से आते टाइम भी बहुत खुश था तो मैं आरव को वही बोल रही थी कि देखो यश जो है वो बिना उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया उसको कुछ भी नहीं दिलाया फिर भी वो कितना इन्जॉय कर रहा था और कितना खुश था और आरफ का तो ऐसा है कि उसको इतना सब कुछ दिलाओ फिर भी बच्चों का रहता है ना कि जो चीज़ नहीं दिलाई है फिर उसके पीछे पहले जो मिल रहा है वो ले लो उसके बाद जो नहीं है उसके बारे में बात करने लग जाओ तो आरव वही कर रहा था कि मुझे ये भी करा दो मुझे और भी मतलब ये वाला पूरा सेक्शन तो उसने कर लिया था सारा फिर उसके बाद और भी मॉल के अंदर जो चीज़ें थी बोला था वो भी करा दो बट हम लोग ना टायर्ड हो गए थे एक तो एक रात पहले ही हम ट्रैवल करके भी आए थे और हो जाता है यार दो तीन घंटे सफिशेंट रहते हैं बच्चों के लिए लेकिन आर को था तो वो थोड़ा सा वहाँ पर बोल रहा था कि मेरे को ये करना है तो वही मैंने उसको यश का एग्जाम्पल दिया कि देखो जो मिला उसमें उसने कितना ज़्यादा इन्जॉय किया तो तुमको वो चीज़ सीखनी चाहिए बट ये इन दोनों लोगों का चलता ही रहता है इवन सारे बच्चों का चलता ही रहता है अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग उन लोगों की एक्टिविटीज़ रहती हैं और बच्चे ही क्या जब वो एक बार में सारी बातें मान ही ले तो फिर कैसा बच्चा हो तो वो सब है बहुत मज़ा आ रहा था इन लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और कभी कभी मैं सोचती हूँ यार कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों में हो जाता है हम लोग जब छोटे थे तब झूले वगैरह ऐसे झूलने जाते थे और मम्मी पापा नीचे खड़े रहते थे तो मतलब थोड़े बड़े हुए तो ऐसा लगता था कि कितना बोरिंग काम है कि बच्चे ऊपर झूला झूल रहे हैं और भीड़ भड़ा के मैं मम्मी पापा नीचे इन्जॉय कर रहे खुश हो रहे पता नहीं क्या खुशी मिल रही है अब जब हम उस फेज़ में है ना तो लिटरली अच्छे अच्छा फील होता है अंदर से बच्चे खेल रहे होते हैं तो अपने को बोरिंग फील होता ही नहीं है कि हम इतनी देर तक वेट कर रहे हैं अच्छा ही फील होता है खुशी होती है बहुत तो मैं यहाँ पर आर एफ के ना ये धूम वगैरह मूवी देखता है ना तो धूम धूम करके बाइक उसमें रहती तो उसको मैंने ये वायरल बाइक उसने चलाई और मैंने उसके वीडियोज़ बनाए तो बहुत अच्छा लग रहा था और मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा जाते जाते साल में एक बहुत बढ़िया से ट्रिप मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट कर दी मेरे को तो यही लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक कुछ भी नहीं था जो भी था हालांकि ये ट्रिप तो मटेरियलिस्टिक ही थी टिकट्स वगैरह सब बुक कराए थे लेकिन इन सम वे मेंटल जो एक गिफ्ट होता है ना वो दिया इस बार उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें उनकी एडवाइस बहुत सारी ऐसी ऐसी काम आई कि मज़ा ही आ गया तो ये ट्रिप बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग थी बहन थी मेरी तो आराम से बस हम दोनों अपना घूम रहे हैं खा रहे हैं एकदम फ्री लाइफ थी और वहाँ से आने के बाद मैं आपको सच बता रही हूँ मैं भी ट्यून ही नहीं, नहीं हो पा रही मेरे को वही याद है कि बस सो सो के उठो खाने को कुछ मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर तो बनाना है बनाने की टेंशन नहीं है बट मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा कि मुझे क्या बनाना है मैं क्या बनाऊँ कैसे अपना रूटीन जो है वो सेट करूँ हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि अभी मैं ना उसी धुन में हूँ कि बस मैं उठूंगी और सब रेडी है और बस खाओ पियो घूमो और मजे करो तो <laughs> वो वाली चीज़ है बट अब मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है मुझे अगर आप कहीं भी घूमने जाओ ट्रिप पर जाओ तो वहाँ तो जो इंजॉय करते हैं, करते हैं, बट वहाँ से आने के बाद जो आपके दस पंद्रह दिन गायब होते हैं मतलब मेरे तो होते हैं कुछ कुछ लोग तो दो तीन दिन में ट्यून हो जाते हैं बट मुझे हफ्ता भर तो एटलीस्ट लगता है नॉर्मल अपने पेस में आने पर और अभी तो यार ऐसा है कि मेरी आगे की भी बहुत सारी ट्रिप्स प्लान्ड हैं तो ये जो साल है जाते जाते से मैंने शुरू किया और अभी मेरे को कंटिन्यूसली हर कुछ कुछ दिन पे घूमने घूमने मतलब कहीं ना कहीं बाहर ट्रैवल करना है तो मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है कितना मतलब कोई चीज़ ज़्यादा होने लगी तो भी रहता है ना मन में कि अरे यार फिर मतलब यही है कि ट्यून हो ही नहीं पाऊंगी तब तक दूसरा ट्रिप प्लान रहेगा तो वो सब चीज़ें अभी मेरे दिमाग में चल रही हैं और इस ट्रिप में जा कर के ना मुझे एक कॉन्फिडेंस ये आ गया कि हाँ चलो मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ इन दोनों के साथ में फ़्लाइट ले कर के मतलब ट्रेन में भी इवन जाना डिफ़िकल्ट ही है और एयरपोर्ट पे जाना थोड़ा मेरे को लगता तो तो है ज़्यादा इजी है क्योंकि वॉशरूम वगैरह अगर आपको जाना है तो आप सिंपली आसानी से जा सकते हो थोड़ा कम डर रहता है बाकी अगर आप स्टेशन वगैरह पे जाते हो तो या फिर ट्रेन में अगर आपको जाना है तो आप नहीं जा सकते हो और ड्यूरेशन भी कम रहता है बट फिर भी समहव एयरपोर्ट पे भी आपके पास कोई सपोर्ट नहीं रहता है। स्टेशन पे तो यह है कि अगर आपको कोई ड्रॉप करने गया तो ट्रेन में जब तक बैठा नहीं देगा तब तक आपके साथ है लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं कर सकते अकेले ही करना है और बैंगलोर जहाँ पर मतलब एक न्यू सिटी थी मेरे लिए तो वहाँ पर हालांकि कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई काफ़ी स्मूदली सब हो गया लेकिन रहता है थोड़ा सा हेडेक रहता है कि यार अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं तो हिम्मत नहीं हो पा रही थी काफ़ी टाइम से बट इस बार मैंने कहा यार जो भी है करते हैं थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं तो मैंने इस बार किया लेकिन बहुत डर भी लग रहा था अंदर से कि यश और आरव दोनों बच्चों को लेकर के लगेज भी रहता है और सब कुछ आपको खुद मैनेज करना होता है तो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाओ तो चीज़ें कर लेते हैं फिर अब वो जैसे भी हों कभी कभी चीज़ें बहुत स्मूदली हो जाती हैं और कभी कभी थोड़ी सी डिफिकल्टी भी होती है कुछ हर्डल्स भी आते हैं बट फिर वो हो जाता है और वो आपके लिए ना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एक काउंट हो जाता है उस चीज़ से इस पूरे ट्रिप से या फिर कुछ भी आप ऐसा करते हो जिसको करने में आपको डर लगता है तो उससे मैं दो चीज़ें ये हैं या तो आप सक्सेसफुली इस चीज़ को कर पाओगे तो, तो कोई बात ही नहीं है कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि आपने मैनेज कर लिया और अगर नहीं हो पाता है कुछ हर्डल्स आते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो फर्दर लाइफ में आपके काम आती हैं या फिर आपके जो वंस हैं जिनको भी आप जानते हो आप उनके साथ में वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो तो वो भी एक अच्छी चीज़ है और लाइफ तो यार यही है ना कि आगे करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ मुसीबत आए तो उसको भी फेस करते जाओ तो बस यही सब माइंडसेट था मेरा जब मैंने अपने टिकट्स बुक कराई थी मेरी सिस्टर से बात हो रही थी तो मैंने बोला कहाँ यश को लेकर के तो मैं मतलब कुछ भी करने में बहुत डर लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदमाश नहीं बोलूँगी मतलब उसे डर नहीं लगता ब्रेव कह सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेव है उसे कहीं किसी से डर नहीं लगता है लेकिन हो गया और फिर हम लोग घूम फिर करके आ गए और उसके बाद घर आए फिर थोड़ा रेस्ट किया देन फिर शाम को वॉक पे निकले सोसाइटी में और यश को तो बाप रे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि वो घर में टिकने के लिए तैयार नहीं था यहाँ पर आप उसका ड्रामा देखेंगे कि ये रात में साढ़े दस बजे का सीन है हम घूम करके आए हैं ऑलरेडी लेकिन ये लड़का रात में बारह बजे तक रोता रहा कि मुझे जाना है घूमने ना उसने पैंट उतारने दी ना उसने शूज़ उतारने दिए ऐसी घूम घूम के बारह बजे के बाद जा के ये सोया है रो रो कर कहाँ? जाना चलो चलो मैं शूज पहन लूँ फिर चलते बाय कर दो बाय तो करो सबको बता दो अच्छा अच्छा पहु ला चलो बाय कर दो मौसी को बाय कर दो जानी है बाय करो मौसी को बाय बाय से नहीं